बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में रविवार देर रात एक बार फिर हंगामा हुआ। दरअसल वाराणसी के लंका थाना क्षेत्र की एक चाय की दुकान पर BHU के छात्र का कुछ लोगों के साथ झगड़ा हो गया। इस दौरान उनमें मारपीट हो गई, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्र के साथ झड़प करना शुरू कर दिया। दरोगा की पिटाई से गुस्साए छात्रों ने लंका थाना को घेर कर हंगामा शुरू किया। छात्रों का आरोप है कि दरोगा ने उनके साथ मारपीट की, जिसके बाद नाराज छात्रों ने लंका थाना का घेराव कर आरोपी दरोगा के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर हंगामा किया। ये मामला धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि शहर के SP ने भी छात्रों को समझाने की कोशिश की, लेकिन गुस्साए छात्र मानने को तैयार नहीं हुए। नाराज छात्रों की चेतावनी पर पुलिस के अधिकारियों ने कार्रवाई करते हुए दरोगा को सस्पेंड कर दिया, जिसके बाद मामला शांत हो पाया। दरअसल लंका चौराहे पर स्थित एक चाय की दुकान पर देर रात BHU के कुछ छात्र चाय पी रहे थे। इसी दौरान वहां शराब के नशे में पहुंचे दो लोग उनसे झगड़ने लगे। देखते ही देखते उनके बीच मारपीट होने लगी। मामले की सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी सिर गोवर्धन अमरेंद्र पांडे और चौकी प्रभारी चितईपुर प्रकाश सिंह मौके पर पहुंचे थे, लेकिन ठीक होने की जगह हालात बिगड़ते चले गए। ये चौराहे पर मालवी चौक पर वहाँ पे रोल कॉल थी, घटना की जा रही थी फोर्स की। इंस्पेक्टर लंका भी वहाँ मौजूद थे। तभी एक सामने चाय की दुकान पर मालूम चला कुछ दो पक्षों में झगड़ा हो रही है। उस झगड़ा पर इंस्पेक्टर लंका द्वारा भेजा गया था वहाँ पे फोर्स। इंस्पेक्टर चार पांच कांस्टेबल की जाके देख ले वहाँ पे क्या है। वहाँ पे चार उन दोनों पक्षों को वहाँ पे छुड़ाया गया। उस छुड़ाने में ही के प्रोसेस में एक कांस्टेबल को चोट भी आई है। एक पक्ष उसमें बहुत एग्रेसिव था, ड्रिंक किया हुआ था। उसे पूछताछ के लिए जानकारी करने के लिए अलग किया गया। इसी बीच कुछ लोग वहाँ पर और खड़े थे, वो लोग उसमें इंटरमीन कर गए कि आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे मौके पे छुड़ाना पड़ रहा था पुलिस को। एक इंस्पेक्टर जो उसमें प्रकाश नाम है, वो इस प्रोसेस में कुछ अपना ही आपाई खो पे बैठे, और जो वहाँ पे एक लड़का था खड़ा, उसके साथ कुछ ज़्यादा ही मारपीट हुई। इसमें इंटरमीन किया था चौकी इंचार्ज और इंस्पेक्टर भी, लेकिन वो कुछ पर्सनल हो गया, उसे चोट आई थी, इसलिए उनके रिपोर्ट पर उनको निलंबित किया गया है, जिसकी जाँच की जा रही है। और उस मामले में जो कांस्टेबल को भी चोट आई है, उस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है, और जैसे भी फैक्ट आएंगे उस सबसे कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या इसमें पुलिस की ओर से जो BHU के जो छात्र हैं या जो पदरवी थे उनके दोनों तरफ से उनके तरफ से भी एक तहरीर आई है, और उस कांस्टेबल की तरफ से दोनों चीज़ों की जाँच से वो बिल्कुल कर रहे हैं, तो सबसे कार्रवाई की चल रहा है जाँच। हाल ही में BHU छात्रों ने संस्कृत डिपार्टमेंट में मुस्लिम टीचर की नियुक्ति को लेकर जोरदार विरोध किया था। फिरोज खान की नियुक्ति को लेकर नवंबर महीने की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन लगातार जारी रहा। एक ओर छात्र कक्षाओं का बहिष्कार कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विश्वविद्यालय प्रशासन के किसी नतीजे पर नहीं पहुंचने से पठन पाठन भी प्रभावित रहा। उधर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसरों के साथ ही काशी विद्वत परिषद ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को पत्र भेजकर हस्तक्षेप करने की मांग की है। UP तक के लिए वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट।